हे गाइस, फाइनली आर्ट कंपटीशन के रिजल्ट्स आप लोग बोल सकते हो आ गई है। आप लोगों को पता होगा दो मंथ पहले एक आर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था जिसमें ग्रुप ए की सब्जेक्ट था एनी ड्राइंग ऑफ इंडिपेंडेंस डे और ग्रुप बी में सब्जेक्ट था ये दो रिफरेंस फोटो महादेव ड्राइंग की। तो आज के इस वीडियो में कुछ टॉप ड्राइंग्स को मैं सिलेक्ट किया हूं जो कि आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं। अभी टॉप 50 नहीं बोलूंगा क्योंकि कुछ ड्राइंग्स को मैं ओनली रिव्यू करने के लिए भी मैं सिलेक्ट किया हूं और मैं भी कुछ ड्राइंग्स इनमें से भी अच्छा हो सकते हैं बट मैं सिलेक्ट किया हूं ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपके सामने अगर 2500 ड्राइंग्स है और उनमें से अगर आपको टॉप 50 ड्राइंग्स को सिलेक्ट करना है तो वो चीज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम बन जाता है। कुछ ड्राइंग्स इधर उधर हो सकता है और उसके अलावा सबकी चॉइस सेम भी नहीं होता। तो जिसका भी ड्राइंग टॉप लिस्ट में नहीं आएगी 98% लोगों की नहीं आने वाला है। प्लीज आप लोग नाराज मत होना क्योंकि 2500 में से टॉप 50 में आना नेक्स्ट लेवल की बात होती है। और प्लीज आप लोग ये कमेंट मत करना कि इससे अच्छा तो मेरा ड्राइंग है तो मेरा ड्राइंग क्यों नहीं आया इस वीडियो में। प्लीज आप लोग ये बच्चों की हरकत मत करना। तो भी मैं सिलेक्ट किया हूं, आप लोग अभी एक एक करके देखो। आई होप आप लोग को सारे ड्रॉइंग्स पसंद आएगी। तो सबसे पहले इस आर्ट को मैं सिलेक्ट किया हूं और इस आर्ट में भारत माता की फेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा, बाकी ओवरऑल ये ड्राइंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है। नेक्स्ट ये भगत सिंह की ड्राइंग में सिलेक्ट किया हूं, ओवरऑल ये ड्राइंग मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। बैकग्राउंड की शेडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा और स्मूथ तरीके से आप कर सकते थे और फेस में भी थोड़ा और डिटेलिंग आप ऐड कर सकते थे। उसके बाद ये ड्राइंग मुझे बहुत ही क्रिएटिव लगा, न्यूज़पेपर से ये आर्ट उन्होंने बनाया। नेक्स्ट ये ड्राइंग ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है, गांधी जी की फेस बहुत ही परफेक्ट तरीके से आप किए हो, पूरे ड्राइंग की शेडिंग है बहुत ही अच्छी तरीके से किए हो, बाकी तीन फेस की प्रोपोर्शन मुझे सही नहीं लगा। ओके, नेक्स्ट ये ग्रुप बी की ड्राइंग है, पूरे ड्राइंग ही आप बहुत ही अच्छी तरीके से किए हो बट हेयर्स की काम मुझे सही नहीं लगा, बाकी शेडिंग आप थोड़ा और इंप्रूव करो और हमेशा ट्राई करो शार्प पेंसिल यूज करने की। नेक्स्ट इस ड्राइंग में हर एक फेस की प्रोपोर्शन आउटलाइन सब कुछ सही है, शेडिंग भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से किए हो, वेरी गुड ड्राइंग। ओ भाई, दिस इज नेक्स्ट लेवल ड्राइंग, बट कुछ फेस के ऊपर लाइक नेताजी की फेस के ऊपर और भगत सिंह की फेस की प्रोपोर्शन थोड़ा सही नहीं है इस ड्राइंग में। नेक्स्ट ये ड्राइंग भी नेक्स्ट लेवल की ड्राइंग है, हर एक फेस की प्रोपोर्शन शेडिंग कलरिंग एकदम परफेक्ट है बट अब भगत सिंह की फेस के ऊपर थोड़ा और अच्छी तरीके से काम कर सकते थे। नेक्स्ट ये ड्राइंग भी बहुत ही बढ़िया है, मतलब ग्रुप ए में इस तरीके का काम आप लोग बहुत ही कमाल हो भाई, शेडिंग में थोड़ा और इम्प्रूव करो आप बहुत आगे जाओगे। नेक्स्ट ये नेताजी की ड्राइंग शेडिंग की टेक्निक आप बहुत ही सही तरीके से किए हो, क्रॉस हैचिंग टेक्निक आप बहुत ही अच्छी तरीके से किए हो बट थोड़ा और इम्प्रूवमेंट चाहिए आपसे, आप बहुत कमाल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट ये ड्राइंग भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा, वेरी गुड ड्राइंग, सुपर्ब। ओ भाई, ये ड्राइंग मतलब इसका क्या ही रिव्यू करूं मैं खुद नहीं कर सकता हूँ इस टाइप की ड्राइंग, मतलब ब्रास की स्ट्रोक से इतना स्मूथ ड्राइंग कैसे भाई, वो भी इतना छोटा एज में भाई, गॉड ऑफ गॉड, गॉड लेवल की ड्राइंग है ये। बट एक चीज करने से ये ड्राइंग और भी अच्छा होता, पीछे वो फ्लैग आप कलरिंग में कर देते, नेक्स्ट लेवल की ड्राइंग बनता ही है। अच्छा, नेक्स्ट इस ड्राइंग में सारे के सारे फेस की प्रोपोर्शन शेडिंग सब कुछ परफेक्ट है, वेरी गुड ड्राइंग भाई। उसके बाद इस ड्राइंग में फेस की प्रोपोर्शन आउटलाइन एकदम परफेक्ट है, थोड़ा और शेडिंग में प्रैक्टिस करो अब, गाल में जो शेडिंग है वो मुझे ठीक नहीं लगा। ओके, नेक्स्ट ये शिव जी की ड्राइंग में शेडिंग आउटलाइन प्रोपोर्शन सब कुछ सही है बट शेडिंग में डार्क वैल्यूज की कमी है इस ड्राइंग में और फेस में एक आई थोड़ा सा छोटा लग रहा है, बाकी सब कुछ सही है इस ड्राइंग में। नेक्स्ट इस ड्राइंग में सब कुछ सही है, बैकग्राउंड थोड़ा और बेटर कर सकते थे, थोड़ा ज्यादा ही लाइट हो गया और हेयर्स में भी सही से कलरिंग नहीं कर पाए हो आप। नेक्स्ट ये ड्राइंग भी बहुत ही प्यारी है, कलरिंग बहुत ही सही से किए हो आप, हाईलाइट डार्क वैल्यूज बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है, सुपर्ब ड्राइंग। नेक्स्ट ये ड्राइंग भी बहुत ही अच्छा है, फेस की प्रोपोर्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा बट ड्राइंग की फोटो आप एडिट किए हो ऐसा मुझे लग रहा है, फुल ड्राइंग में ग्रीन सा इफेक्ट आ रहा है तो प्लीज कोई भी ये सब मत करो, एडिट करके मुझे सेंड मत किया करो, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल ड्राइंग था, आप क्यों मुझे एडिट करके सेंड किया हो मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट ये ड्राइंग मुझे थोड़ा ज्यादा स्मूथ लग रहा है, थोड़ा और डिटेलिंग आप ऐड कर सकते थे इस ड्राइंग में, अदरवाइज वेरी गुड ड्राइंग। हाँ, ये ड्राइंग एकदम परफेक्ट लग रहा है मुझे, कलरिंग आउटलाइन सब कुछ सही है इस ड्राइंग में, नेक्स्ट लेवल की है बट बॉडी की इस पार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे गड़बड़ मुझे लग रहा है इस पार्ट में, यहाँ पर आप जल्दबाजी किए हो, पूरे ड्राइंग इतना अच्छा करके ये छोटा सा गलती मत किया करो आप लोग। नेक्स्ट इस ड्राइंग में शेडिंग एकदम परफेक्ट है, फेस थोड़ा सा अलग लग रहा है, फेस थोड़ा सा मोटा लग रहा है, अदरवाइज वेरी गुड ड्राइंग। उसके बाद इस ड्राइंग में आउटलाइन प्रोपोर्शन शेडिंग एकदम परफेक्ट है, बस डार्क वैल्यूज की कमी है इस ड्राइंग में, थोड़ा और डार्क वैल्यूज ऐड करना चाहिए था इस ड्राइंग में। नेक्स्ट इस ड्राइंग में हेयर्स कलरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अदरवाइज सब कुछ सही है इस ड्राइंग में। उसके बाद इस ड्राइंग में सब्जेक्ट की ड्राइंग आप आउटस्टैंडिंग किए हो, एकदम परफेक्ट तरीके से बॉडी में कलरिंग किए हो, प्रॉब्लम बस बैकग्राउंड में थोड़ा और डिटेल ऐड कर सकते थे आप। नेक्स्ट ये ड्राइंग बहुत ही सही है, सुपर्ब कलरिंग किए हो आप बट ध्यान से देखो बॉडी की कलर के इफेक्ट के साथ फेस के कलर की इफेक्ट मैच नहीं हो रहा है, बस उस चीज की आपको ध्यान देना चाहिए था। उसके बाद ये ड्राइंग एकदम आउटस्टैंडिंग है, थोड़ा सा स्मूथ सो हो रहा है, हो सकता है ये कैमरे की प्रॉब्लम है, बाकी ये ड्राइंग सुपर्ब ड्राइंग है भाई। ओके, नेक्स्ट ये ड्राइंग की कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ऑसम ड्राइंग। ओ भाई, अब इसका क्या रिव्यू दूं मैं,
कोई सब नहीं है मेरे पास भाई, यू आर गॉड बेस्ट ड्रॉइंग। ओके छोड़ो, इस ड्रॉइंग के ऊपर कोई रिव्यू नहीं दे सकता हूँ मैं, छोड़ो इसको छोड़ो भाई। ओके नेक्स्ट, ये ड्राइंग भी बहुत ही अच्छा है, बट ड्राइंग ए मेरी है। आप एडिट करके सैचुरेशन बढ़ा के उसके ऊपर नाम चिपका कर मुझे सेंड किया हो, ऐसा चीटिंग मत करो यार। 12 साल की हो आप ओनली, ये सब क्या कर रहे हो आप? थोड़ा मूड खराब कर। उसके बाद ये ड्राइंग सुपर है भाई, शेडिंग आउटलाइन प्रोपोर्शन सब कुछ सही है, बट भगत सिंह की फेस में थोड़ा सा गड़बड़ लगा मुझे। नेक्स्ट, ये ड्राइंग आउटस्टैंडिंग है, कोई गलती नहीं है इस ड्राइंग में, बस पेंसिल को आप हमेशा शार्प करके शेडिंग किया करो, देन आपकी रिजल्ट और भी अच्छी तरीके से निकल कर आएगी। उसके बाद ये नेताजी की ड्राइंग भी बहुत ही सही है, बट शेडिंग के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहो, ब्लेंडिंग थोड़ा ज्यादा हो गई है इस ड्राइंग में, पेंसिल शेडिंग कर दो तो पेंसिल की स्ट्रोक भी दिखना चाहिए। नेक्स्ट, ये ड्राइंग ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है, बट फेस की प्रोपोर्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा, और नीचे की पार्ट में ग्रीन कलर से जो शेडिंग की हो आप, वो बहुत ही बेसिक सा लग रहा है। नेक्स्ट, ये ड्राइंग बहुत ही क्रिएटिव सा है, कुछ अलग सा करने की ट्राई किया इसने, वेरी गुड ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग। ओके नेक्स्ट, ये ड्राइंग बहुत ही क्यूट सा लग रहा है, दूर से देखने में और भी नेक्स्ट लेवल की ड्राइंग लग रही है, बाकी बैकग्राउंड की सेटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस ड्राइंग में। उसके बाद इस ड्राइंग में महादेव की ड्राइंग आप बहुत ही सही से की हो, बट बैकग्राउंड मुझे उतना भी सही नहीं लगा, बैकग्राउंड में भी आप सही से कर सकते थे। ओके नेक्स्ट, ये ड्राइंग भी मेरा ही ड्राइंग है गाइस, इसने प्रिंट आउट निकल कर नीचे नाम लिखा है। भाई क्यों ऐसा, क्यों ऐसा मत किया करो गाइस। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ओके नेक्स्ट, इसने हनुमान जी की ड्राइंग सेंड की है, नो डाउट आप आउटस्टैंडिंग ड्राइंग की हो, बट आर्ट कंपटीशन की जो सब्जेक्ट है वो आपको शायद पता नहीं है, और ये ओनली अकेला नहीं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा किए हो, तो वो सब ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो चुका है। ओके नेक्स्ट, ये ड्राइंग भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सुपर ड्राइंग, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट, ये ड्राइंग मुझे बहुत ही सही लगा, ऊपर वाला नेताजी की ड्राइंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी ये ड्राइंग बहुत ही मस्त है। नेक्स्ट, ये ड्राइंग भी बहुत ही सही है, बट आपको शेडिंग के ऊपर थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करना होगा। उसके बाद ये ड्राइंग सुपर है गाइस, मतलब आउटलाइन प्रोपोर्शन शेडिंग सब कुछ परफेक्ट है, ऐसा ही ड्राइंग मुझे बहुत ही पसंद है, जिसमें ब्लेंडिंग बहुत कम हो और पेंसिल की स्ट्रोक भी दिखना चाहिए। ओ भाई आउटस्टैंडिंग ड्राइंग, नेक्स्ट लेवल, सुपर। बट बैकग्राउंड को फ्रेश दिखाने के चक्कर में फोटो को एडिट करके सेंड मत किया करो, बाकी एडिट करके आप सैचुरेशन को भी बढ़ाए हो आप, तो एक नेक्स्ट लेवल ड्राइंग की रिव्यू ही खराब हो गया और कुछ नहीं। नेक्स्ट, ये ड्राइंग अच्छा तो है, बट इसने किसी यूट्यूबर की थंबनेल की फोटो को एडिट करके उसके ऊपर नाम लिख कर मुझे सेंड किया है। भाई डिजिटल सिग्नेचर इसलिए अलाउ नहीं है, सो डोंट चीट। थोड़ा मूड खराब कर। उसके बाद ये ड्राइंग सुपर है भाई, बहुत ही क्रिएटिव लग रहा है ये ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग ड्राइंग। नेक्स्ट, ये भी सेम, ये ड्राइंग नहीं लग रहा है मुझे, फोटो की प्रिंट आउट निकाला है इसने, देन उसके ऊपर अपना सिग्नेचर किया है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ओ भाई सुपर, क्यूट ड्राइंग, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये भी बहुत ही क्रिएटिव ड्राइंग है, आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट, ओ भाई ये बहुत ही मस्त ड्राइंग है, एक्चुअली ये सीनरी ड्राइंग है वाटर कलर से, ऑसम ड्राइंग। इंग्लिश थोड़ा ज्यादा ही छोटा लग रहा है इंडियंस के सामने। नेक्स्ट, ये भी वाटर कलर सीनरी ड्राइंग है, और ये ड्राइंग एकदम परफेक्ट है, मतलब छोटे छोटे जो भी फेस है वो सब एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट, ये भारत माता की ड्राइंग, ये बहुत ही बढ़िया ड्राइंग है, और इस ड्राइंग में डिटेलिंग नेक्स्ट लेवल की हुई है गाइस, वो भी परफेक्शन के साथ। इतना छोटा फेस है इस ड्राइंग में, वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से किया हुआ है, सुपर ड्राइंग, सुपर। उसके बाद दिस इज आउटस्टैंडिंग ड्राइंग, कोई भी गलती नहीं है इस ड्राइंग में, इसको कहते हैं कॉपी पेस्ट करना, कॉपी ऐसा करोगे हिला डाला ना। उसके बाद ये नेताजी की ड्राइंग, भाई ये ड्राइंग मुझे फेक लग रहा है, ड्राइंग तो मस्त है बट ये किसी और का ड्राइंग है। इसने फोटो को एडिट करके उसके ऊपर नाम लिखा, और मजे की बात ये है कि खुद का नाम भी नहीं लिखा इसने। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। ओके देन, ग्रुप ए में से ए ड्राइंग बहुत ही क्रिएटिव है, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग। उसके बाद दिस इज मास्टरपीस, कोई जवाब नहीं है मेरे पास इस ड्राइंग के ऊपर कुछ बोलने की, भाई दिस इज अनदर गॉड लेवल ड्राइंग। उसके बाद ये ऋषभ भाई की ड्राइंग है, ये भाई आउटलाइन में थोड़ा और ज्यादा फोकस करो आप, बाकी शेडिंग आपका मस्त है। उसके बाद ये ड्राइंग भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल की क्रिएटिव ड्राइंग है, और क्यूट ड्राइंग भी है, सो वेरी गुड ड्राइंग। नेक्स्ट, ये अभी भाई की ड्राइंग है, आउटलाइन प्रोपोर्शन सब कुछ सही है आपकी, बस आपको कलरिंग की शेडिंग में थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, कुछ कुछ जगह पर पैचेस आ रहा है, तो वो थोड़ा और स्मूथ तरीके से करने की ट्राई करो आप। तो बस गाइस, इतना ही ड्राइंग्स में सिलेक्ट किए हूँ टॉप लिस्ट में, आई होप आप लोगों को सारे ड्राइंग्स पसंद आई है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, जिसके भी ड्राइंग्स इस लिस्ट में नहीं आई है प्लीज मुझे माफ कर देना, और जिसके भी आई है कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी आप लोग नीचे ये कॉमेंट करो कि आप लोगों को कौन सा ड्राइंग सबसे अच्छा लगा, ऊपर ड्राइंग्स की कॉर्नर में देखना, हर एक ड्राइंग्स की कॉर्नर में देखना नंबरिंग किया हुआ है, तो वो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा। नेक्स्ट, अभी कुछ ड्राइंग्स को मैं दिखाने वाला हूँ, जो कि आर्ट कंपटीशन की इंडियस वीडियो में मैं नहीं दिखा पाया था, सब आप लोग एक बार देख लो।
कुछ ड्रॉइंग्स बाद में मेरे पास रिसीव हुई है। नेक्स्ट अभी मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी में टॉप 10 ड्रॉइंग्स को मैं शो करने वाला हूँ। आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके रखना, नहीं तो जो भी इंस्टाग्राम यूज नहीं करते कोई बात नहीं है, मैं यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर भी अपलोड कर दूंगा। बाकी विनर्स के नाम मैं कल या परसों ही अनाउंसमेंट कर दूंगा। तो मिलते हैं जल्दी किसी और ड्रॉइंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।